प्राचीन भारतीय इतिहास के आज के वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। गुप्तोत्तर काल में ऐसे तो कई छोटे छोटे राजवंश थे, लेकिन इसमें वर्धन वंश काफी लोकप्रिय रहा और वर्धन वंश से पीपीएससी की कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। और गुप्त साम्राज्य का जो मुख्य क्षेत्र था वो बिहार और उत्तर प्रदेश था, तो इसीलिए गुप्त साम्राज्य से भी इतिहास के प्रश्नों में प्रश्न रहते ही हैं। अतः हम लोग सबसे पहले गुप्त साम्राज्य को देखें, गुप्ता एम्पायर जो है इसकी पृष्ठभूमि पर आए तो चौथी सदी ईस्वी के आरंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का शासन चौथी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन उसकी शक्ति काफी क्षीण हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक उथल पुथल में ही गुप्त राजवंश का उदय हुआ। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ, जिसमें आप गुप्त, नाग, अभीर, इक्ष्वाकु और गणतंत्रों में आजुनायन, मालव, यौधे, लिच्छवी शामिल है और इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कुषाणों के बाद लगभग चार शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, लेकिन गुप्त शासकों ने बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत माना, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य जो जिनका था वे वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है कि गुप्त साम्राज्य वंश के इतिहास के क्या क्या स्रोत रहे हैं, तो इनको तीन भाग में आप बांट दें। एक तो साहित्यिक स्रोत हुआ, एक पुरातात्विक स्रोत हुआ और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण रहा। साहित्यिक स्रोत में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में चर्चा कर चुके हैं, एक बार दोहरा दें। विशाख दत्त का जो देवी चंद्रगुप्त है और गुप्त शासक, उसमें राम गुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्त नाटक में जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। कालिदास का जो रचना है ऋतु संहार, कुमार शंभुवम, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा शूद्र की कृति है मिच्छकटिकम। मिच्छकटिकम बीपीएससी में पूछा जा चुका है शूद्र का। और वात्स्यायन का है कामसूत्र, ये भी सभी गुप्त काल से संबंधित है और सभी रचनाओं में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो इसमें अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है और सबकी चर्चा हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो था उसमें कर चुके थे। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख था जिसमें हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का जो जूना लेख अभिलेख है इसमें भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था उसकी जानकारी थी, सबकी चर्चा है। गुप्तकालीन राजाओं ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इस काल में सोने के सिक्कों को दीनार, चांदी के सिक्कों को रूपक अथवा रूपयक और तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। तो इससे भी एक बार प्रश्न आए हुए यूपीएससी में, तो आप ध्यान रखेंगे सोने के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक अथवा रूपयक तथा तांबे के सिक्के को माशक। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। कहां से? राजस्थान प्रांत के बयाना से।
मंदिरों में तिगमा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, घुमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ये सब विशेष उल्लेखनीय है। गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियां, चैत्यगृह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों में फाययान और ह्वेनसांग का जिक्र आता है, क्योंकि फाययान एक चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और इसमें इन्होंने मध्य देश का वर्णन किया है। ह्वेनसांग कुमार गुप्त प्रथम, वधुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख अपने रचना में किया है और इन्होंने बताया है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। गुप्त राजवंश के प्रारंभिक इतिहास की बात की जाए तो इसके इतिहासकारों में मतभेद है। दो मुहरे जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्त अंकित है से प्रतीत होता है कि श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली घटोत्कच जो था वो गुप्त श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था और श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी, जो मेरे पास साक्ष्य हैं विभिन्न पुस्तकों से, खासकर एनसीईआरटी की पुस्तकों से। तो उसमें वर्णित है कि 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। गुप्तों के पूना एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है, जो ताम्र अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम या महाराजाधिराज, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी, यदि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो देखे होंगे कि अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। अब आप कुछ हम लोग जान जाएं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम था वो काच था। क्या था? काच। युद्धों में विजय प्राप्ति के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की थी और यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद के प्रचार प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की युद्ध में मिली विजय श्रृंखलाओं का वर्णन किया है और इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में संकलित है। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। तो किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बीपीएससी में हमको लगता है कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त को इसने धरबिंद या पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। धरबंद लक्ष्य बनाया था, जिसका अर्थ होता है क्या? पृथ्वी को बांधना। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था और यह संगीत प्रेमी भी था और ऐसा अनुमान उसके शासन काल में प्रचलित अपने द्वारा किए गए सिक्कों पर उसने वीणा वादन करते हुए चित्र से लगाया है। जब वीणा वादन चित्र अंकित है उसके सिक्कों पर, तो निश्चित तौर पर उसको संगीत से प्रेम था ऐसा माना जाता है। श्रीलंका का एक नरेश था मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। अब कुछ गुप्त काल में बहुत और फेमस नहीं मिले हैं, समुद्रगुप्त हैं, श्रीगुप्त हैं और घटोत्कच प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम है जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था।
कुछ जगह पे हमको मिला है जिसमें जो शब्दावली है गुप्त काल से संबंधित वो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम एक बार अपने मन से एक बार बता दें कि राजा को भूमि उत्पादन करने से प्राप्त होने वाले हिस्से को भाग कहा जाता था, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाले कर को भोग कहा जाता था। तो भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाले हिस्सा को भाग और राजा को उपहार स्वरूप जो मिलता था कर उसको भोग, अस्थाई काश्तकारों के लिए जो कर था उसको उपरंग, अस्थाई कृषक के लिए जो कर था उसका नाम था उपरिकर, उपरी कर। नगद रूप से लिया जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था, जो सिक्का के रूप में लिया जाता था। निःशुल्क या बेगार श्रम को विष्टि कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गुप्त काल में, निःशुल्क या बेगार श्रम को क्या कहा जाता था, तो विष्टि। स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था, जो हम बता चुके हैं। और मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, एक बार बता दे, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार, निःशुल्क या बेगार श्रम को विष्टि, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार, नगद रूप से लिया जाने वाले कर को हिरण्य, अस्थायी कृषक के लिए कर को परिकर, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर को उपरंग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाले कर को भोग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाले हिस्से को भाग। गुप्तकालीन रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे अभी पहले भी चर्चा किया कि मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है और इसमें क्या है, अग्निमित्र एवं मावलिका की प्रणय कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है, इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण एवं कथा का वर्णन है। विक्रमोवस्यम सदनाम है, विक्रमोवस्यम ये भी कालिदास की रचना है, जिसमें सम्राट पुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है और ये पूछा जा चुका है। मृच्छकटिकम जो शूद्रक का है, इसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसमें चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम गाथा है। स्वप्नवासवदत्तम ये भास की रचना है, इसमें महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा है। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखदत्त की रचना है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी उससे विवाह का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम में जो विशाखदत्त की रचना है, मुद्रा राक्षस भी विशाखदत्त की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो गुप्त काल से संबंधित है, इसमें आप ध्यान रखें, 10 कुमारचरितम का दंडी, काव्यादर्श के भी दंडी, अमर सिंह का अमरकोश, वराह मिहिर का बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। मेहर का बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त की भी दो रचनाएं हैं गुप्त काल में। हाँ, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत पूछा जा चुका है, सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और चरक का चरक संहिता। कहीं कहीं हमको मिला है कि गुप्त समुद्रगुप्त के जो पदाधिकारी थे उसके नाम से संबंधित, जैसे न्यायाधीश को कहा जाता था महादंड नायक, राजकीय भोजनालय के अध्यक्ष को तो खाट्य पाटिक, तो खाद्य पाटिक कहें तो खाद्य से भोजनालय समझ जाएंगे, और दंड नायक है तो न्यायाधीश समझ जाएंगे। और गुप्त साम्राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कुमारा मत्य, और संधि एवं युद्ध के मंत्री को संधि विग्रह, तो नाम से भी आप पकड़ लेंगे। कुछ और आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखते, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के प्रथम अभिलेख में उसे लिच्छवी द्वहित्व बताया गया है। रामगुप्त ने शक राजा से पराजित होकर प्रजा की रक्षा हेतु अपनी प्रति पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देना स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई तथा
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो ये पूछा जाता है कि कालिदास किससे संबंधित है या किनके शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आपको बताया था कि इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, इसकी चर्चा हम पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। बारहवीं अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घट कर्पर, क्षण छपनक नाम था, छपनक, बरुरुच, शंकु, धनवंतरी, आयुर्वेदाचार्य जो धनवंतरी थे शो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रचलित व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। महारौली का जो लौह स्तंभ है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिणी दिल्ली में महारौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, फायान ने याद रखें गया, और इसी ने नालंदा में बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। कुमारगुप्त प्रथम को उसको कहते हैं महेंद्रादित्य, तो महेंद्रादित्य की उपाधि इसको कुमारगुप्त प्रथम को। और कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था, और कुमारगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम। स्कंद गुप्त के समय सर्वप्रथम हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूनों पर को परास्त कर स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, स्कंद गुप्त। तो ध्यान रखेंगे स्कंद गुप्त कब, जब हूनों को पराजित कर दिया था तब। स्कंद गुप्त को शुक्रादित्य, देवराय या परीक्षित वृक्षा भी कहा गया है, और इसी ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, कहाँ यह याद होगा आपको, गिरनार पर्वत पर। और इसी ने स्कंद गुप्त ने ही पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। और अंतिम गुप्त शासक की बात की जाए तो भानुगुप्त था। अब गुप्तकालीन स्थापत्य की बात की जाए तो गुप्तकाल का जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना गया, तो किसे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना गया, तो गुप्त काल को, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। और क्यों स्वर्ण मंदिर माना गया है, क्योंकि देवगढ़ का दशा होता है मंदिर इन्हीं गुप्त काल में बने हैं, ललितपुर उत्तर प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर जो बताए अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, एवन का विष्णु मंदिर जो सागर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और नागौद का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में है। इसीलिए इसको भारतीय इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनवाया था, कुमारगुप्त ने बिलसर स्तंभ अभिलेख बनाया था, और स्कंद गुप्त ने भीतवी स्तंभ लेख बनवाया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को क्या कहा जाता था, गोपना, और दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके शासक क्या कहलाते थे, उपरिक। भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता था, और पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होता था उसे चारण एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था, ग्रामीण शब्द बहुत पहले से आ रहा, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे, ये नया शब्द है आपके लिए। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने दामोदर को ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था, और गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था।
जब टैक्स की बात आ गई, भू राजस्व की जो 1/4 से 1/6 हुआ करता था, तो उसकी बात बता दें कि अनाज में जो राजा का हिस्सा होता था उस कर को कहते थे धान्य। लुटेरों से बचाने के लिए जो कर दिया जाता था उसको चाट, पुलिस को जो कर दिया जाता था उसको भट्ट कर, अनिवार्य कर को प्रणय और बेगार कर को विस्की कहा जाता था। अब गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, महाबल अधिकृत सेनापति को कहते थे, न्यायाधीश को महादंड नायक, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंड पाशिक, शिक्षा एवं धार्मिक मामलों के प्रधान को विनय स्थिति, युद्ध तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री को संधि विग्रहक, लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महाअक्ष पटिक और गुप्तचर विभाग के प्रधान को चोरोधरणिक, चोरोधरणिक। अब बात करते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था गुप्त काल की कैसी थी, क्योंकि आपके बीपीएससी मास्टर वाले के सिलेबस में है, भारत का जो इतिहास है उसमें राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, तो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों हम लोग देख लेंगे। पहले सामाजिक की बात की जाए तो कास्तों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्तुति में मिलता है, जबकि जाति के रूप में कास्तों का सर्वप्रथम वर्णन पोषणम स्मृति में मिलता है। सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एवन अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्त काल की ही है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र है वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है और बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे एवं दशमलव प्रणाली का विकास भी किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने? आर्यभट्ट ने। वाराह में ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत इन्होंने दे रखा था। बाण भट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की, अष्टांग हृदय की रचनाकार कौन हो गए? बाघ भट्ट। टिगिन को उनो का प्रथम राजा माना गया है। अब धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, अवतारवाद की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव भक्ति का विकास हुआ, देखिए कितना मंदिर बना है, नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई, वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया, शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला, त्रिदेव जो की कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी संकल्पना भी गुप्त काल में ही हुई है। तो ये सभी गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब कुछ गुप्तोत्तर काल में देख लें, गुप्तोत्तर काल में बहुत ज्यादा विवरण देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली 6वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया और इसके पश्चात सामंतवाद नामक नई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, लेकिन संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा नहीं जा सका। राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तूर्त शासन की स्थापना तक जारी रही और गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उनमें प्रमुख है मैत्रक, मौखवी, पुष्यमित्र, परवर्ती गुप्त और चंद्र गौर, जिसमें वर्धन वंश प्रमुख है। शॉर्ट में हम लोग सभी को जान लें एक बार, तो गुप्त वंश के जो पतन के बाद अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मैत्रक, मौखवी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख रहे।
अब मैत्रक वंश को देख लें तो मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक था, धूपसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था और इसी के समय हुएनसांग ने वल्लवी की यात्रा की थी। इसके समय धूपसेन के समय धूपसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक महाजाधिराज परमेश्वर तथा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। भट्टी इसकी दरबारी कवि था। इसका धूपसेन चतुर्थ का मौखवी वंश को देखें तो इस वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। ग्रह वर्मा अंतिम मौखवी शासक था। इसका विवाह हर्षवर्धन की बहन राजस्वी से हुआ था। इसे ज्यादा इसमें नहीं जानना है। उत्तर गुप्त वंश को देख लें तो इस वंश की जानकारी के स्रोत अपसठ तथा देववर्णाक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कृष्णगुप्त को अपसठ अभिलेख में नृप कहा गया है। जीवित गुप्त ने क्षितिश चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त का उल्लेख मधुवन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों से हुआ है। जीवित गुप्त द्वितीय को अशोक वर्मन ने पराजित कर परवर्ती गुप्त राज्य का अंत कर दिया था। अब थानेश्वर का जो वर्धन वंश था उसको भी हम लोग देख लें। पुष्यभूति आप जो देख रहे हैं तो इसका वंश संस्थापक था पुष्यभूति। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यभूति ने। राज्यवर्धन के पश्चात 16 वर्ष की उम्र से 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर का शासक रहा। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। ये एहोल अभिलेख आप देखेंगे तो उसमें इसका वर्णन है। हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता था और हर्ष की उपाधि शिलादित्य एवं परम भट्टारक मगध नरेश थी। हर्ष ने सुप्रभात स्रोत और अष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत नामक दो ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन? सुप्रभात स्रोत और अष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना भी हर्षवर्धन ने की थी। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यानी एक अच्छा लेखक और कवि भी था हर्षवर्धन शासक के साथ साथ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और वैश्विक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शशांक सैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष जो बोधगया में था जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कौन कटवाया था? तो शशांक। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसी ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग का यात्रा वृतांत चीनी ग्रंथ सीयूकी से प्राप्त होता है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हुएनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे के बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। किसने? गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 645 ईस्वी में दो चीनी राजदूत उनके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। किसे? कश्मीर के शासक से। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजस्व प्रदान किया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया, बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक पांचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर पांच वर्ष पर बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी उपविक तथा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द प्रयोग किया गया है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। ग्राम छपटलिक। हाँ, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंड शब्द लगे तो या तो न्यायालय या पुलिस समझ लीजिएगा। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या
महाबलाधिकृत कहा जाता था। हज के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उस प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारी को पूरा मान्य, राजकीय संदेश वाहक को दीर्घ ध्वज और गुप्तचर विभाग के सदस्य को सर्वगत कहा जाता था। हज चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र थे, जिसको आप जल पंप कह सकते हैं, तुला यंत्र सिंचाई के रूप में मौजूद थे। तो इस प्रकार आप गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में समझ गए। अब प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश और पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश और दक्षिण भारत के भी प्रमुख राजवंशों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और वो वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आएंगे, इतिहास के सीरीज में। इस बीच हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, जिसमें भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता और भारतीय उद्योग या प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता से संबंधित हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार में होने वाले जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उसके लिए उसमें सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया जाता है, तो उसको लेकर हम आएंगे जब हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का सीरीज खत्म हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का सहृदय आभार। आशाहीनी अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या हमारे शिक्षक साथी हैं उन तक फॉरवर्ड करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चैनल पर यदि नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे ये फायदा होगा कि आपको फिर वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं आपके पास वीडियो उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम नई आशा, नई उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।